सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पिंजौर की मीटिंग के लिए जगह देने के लिए नगर परिषद कालका पिंजौर के चेयरमैन कृष्णलाल लंबा से बात करेगी एसोसिएशन। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पिंजौर की मीटिंग के लिए हर बार बुज़ुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कहीं कहीं मीटिंग करनी पड़ती है। इसके लिए एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद कालका पिंजौर के चेयरमैन कृष्णलाल लंबा से मिलेगा, ताकि एसोसिएशन की अपनी अलग से बिल्डिंग हो और हर महीने होने वाली मीटिंग और अन्य कार्यक्रम के लिए सीनियर सिटीजन को इधर उधर भटकना न पड़े। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पिंजौर के महासचिव यादविंदर सिंह उदासी ने बुधवार को बताया कि मीटिंग करने के लिए बुज़ुर्गों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जगह न होने के कारण दुर्गा मंदिर रतपुर कॉलोनी पिंजौर के प्रांगण में मीटिंग की जाती है और एसोसिएशन चाहती है कि एसोसिएशन की अलग से बिल्डिंग हो या उन्हें प्लॉट मिल जाए, ताकि अपनी बिल्डिंग में सामान रख सकें और मीटिंग या सालाना फंक्शन करने के लिए सारे बुज़ुर्ग एक साथ इकट्ठा हो सकें, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में कुर्सियां अन्य सामान पड़ा है। यदि जगह होगी तो सारे बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ सुख दुख भी साझा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद से भी बातचीत चल रही है। मीटिंग के बारे में हमारे पास स्पेस नहीं है, अभी फिलहाल हम दुर्गा माता मंदिर के अंदर मीटिंग अरेंज करते हैं, पर वो हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग हमारी अपनी हो। हम प्लॉट देख रहे हैं और पप्पू जी से अभी ये बातचीत चल रही है कि हमें ये प्लॉट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि हम अपनी अपनी बिल्डिंग हो और अपना स्पेस हो, हम वहाँ मीटिंग कर सके। मीटिंग में अब ये कई बार कोई हमने फंक्शन अरेंज करना होता है तो मीटिंग के जो प्रबंधक हैं चाबी वगैरह उनके पास होती है, तो अगर हमने कुछ कुर्सियां वगैरह अपनी खरीद के वहाँ रखी हुई हैं और एट ए टाइम हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो चाबी ना मिलने की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरीके की टेलीफोन डायरेक्टरी है जो हम छपवा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के, जो पब्लिक के जो फ़ोन नंबर होंगे उसके अंदर, और हमारे जितने मेंबर हैं कोई लगभग 125 मेंबर हैं हमारे, उनके सबके नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और उनके मोबाइल नंबर उसके अंदर प्रिंट होंगे। इनके अलावा जो जितने भी इम्पोर्टेंट नंबर हैं, जैसे हॉस्पिटल हुए, फायर ब्रिगेड हुई और जितने भी वीआईपी हैं जो पिंजौर से रिलेटेड हैं, उनके नंबर इसमें होंगे। और ये मोबाइल, ये जो डायरेक्टरी है, ये हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए तो बेनिफिट इसमें होगा ही होगा, और आम पब्लिक भी अगर हमारी डायरेक्टरी लेना चाहे तो हम उनको भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं।